नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कुलटी मंडल टीम के अध्यक्ष हैं, तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना श्रमिक संगठन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना श्रमिक संगठन नहीं है। हम लोग संघ से जुड़े हुए हैं और संघ का ही एक विंग से BMS, वही हम लोगों का श्रमिक संगठन है। तो अभी देखा जा रहा है कि चिनाकुड़ी आदि एरिया में जो है, इसील एरिया में भारतीय जनता मजदूर मंच बोल के एक रसीद काटा जा रहा है, उसमें कमल छाप का भी तस्वीर लगा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ऐसा कोई कर रहा तो ये पूरा पूरी इलीगल है। इसका संग भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। अगर ऐसा कोई ठोस हम लोगों के पास आता है कंप्लेंट, तो हम लोग आला अधिकारी जो हम लोगों का है वहां पर भी हम लोग भेजेंगे रिपोर्ट, और अगर ऐसे होगा तो लीगली भी हम लोग एक्शन लेंगे। इसके बारे में आप लोग कुछ जानकारी है? देखिए, ऐसा तो कुछ जानकारी ठोस नहीं है मेरा पास, लेकिन एक दो आदमी हमको भी कंप्लेंट किया जो कमल छाप लगा के ऐसा ऐसा हो रहा, तो हम भी बोले जो कोई ठोस एकदम एप्लीकेशन दो हमको कंप्लेंट का, तो क्या करेंगे हम उसको अपना आला अधिकारी जो है वहां भेजेंगे, साथ में ऐसा होगा तो हम लोग लीगली भी एक्शन लेंगे, क्योंकि हम लोगों का कमल छाप का कोई अगर दुरुपयोग करेगा तो एज ए प्रेसिडेंट कुलटी मंडल 3 का होने का नाते इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां जैसे होगा इस पर लीगली एक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। आप तो इससे साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, साथ ही वो लोग जो है आपके कुलटी विधायक के साथ भी नजर आते हैं। देखिए, ऐसा तो मेरे पास अभी कुछ आया नहीं, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो हम विधायक जी से भी बात करेंगे जो कौन आदमी कर रहा है, हम लोग बैठ के अपना ऊपर लेवल में पार्टी लेवल में ये सब बात उठाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो पूरा गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी श्रमिक संगठन नहीं है, BMS हम लोगों का संघ का है, BMS ही हम लोगों का श्रमिक संगठन है, हम लोग BMS का ही साथ में है। ऐसा कमल छाप का लोगो लेके अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर रहा, कोई पदाधिकारी करेंगे तो तुरंत उसको हम शोकज करेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसे बोल रहा है कि हम कार्यकर्ता है और कर रहा है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। जो होगा हम लोग बोल तो आपको पहले भी बोले थे, हम लोग एकदम लीगली एक्शन लेंगे, क्योंकि कमल छाप का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो इसे क्या चंदा का धंधा कहा जा सकता है? देखिए, पूरा डिटेल्स हमको ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कंप्लेन आएगा मेरा पास तो इस पे हम जरूर इस पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि चंदा का धंधा है ना क्या है, ना TMC पार्टी का षड्यंत्र है ना क्या विषय है। पूरा मेरा पास जब आ जाएगा तो जरूर इसको हम अपना जिला प्रेसिडेंट का पास भी रखेंगे, विधायक का पास भी रखेंगे, जो क्या मैटर है इसको देखिए और उस पे जो ऊपर लेवल का निर्देश रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी जानकारी में भी ये बातें आई हैं, तो ये किस इलाके में इस तरह का? देखिए, एक्चुअली हम लोगों का कोल बेल्ट है, और कोल बेल्ट में क्या हो रहा, बहुत सारा आदमी आ रहा, जो बीजेपी आएगा बीजेपी का तो साथ में जोड़ के गलत मंशा लेके बीजेपी में आया था। अगर वो लोग ऐसा कर रहा है और अगर ऐसा कुछ ठोस लिखित प्रमाण हम लोगों के पास मिल जाए कि हाँ ऐसा कर रहा, इसी से चंदा उठाया, वो लिखित दिया हम लोगों का, तो जरूर से जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे। ये एक प्रेसिडेंट होने का नाता हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, फिलहाल आपको तो जानकारी हो चुकी है इस तरह का काम हो रहा है, तो आप अपने स्तर पे इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जानकारी बोले तो आप लोगों का जरिए हमको पूरा जानकारी इसका मिला, तो जरूर हम अपना लेवल में पार्टी स्तर में इसका जांच करेंगे, और अगर इसका सच में निकल गया कि कोई बीजेपी का नाम लेके गलत तरीका से पैसा ले रहा है या कुछ भी ले रहा है या श्रमिक लोगों को विभ्रांत कर रहा है, तो जरूर हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? अमित गोराई, कुलटी मंडल 3 का प्रेसिडेंट।